साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं कर रही है जो देश को भी कमजोर करेगी और आपके परिवार को भी कमजोर करोगी। आपने सुना होगा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है, वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भी ये भाषा अच्छी नहीं है, ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई, मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं।